हेलो दोस्तों, मैं पंकज उपाध्याय एक बार फिर आपका आर्टफिट टीचर चैनल में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैंने एक रेखा चित्र बनाया है जो कि पेन और इंक का मैंने इस्तेमाल किया है। इस रेखा चित्र को बनाने के लिए हमने क्रॉस हैचिंग का यूज किया है। क्रॉस हैचिंग, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है, इसे पूरा करने के लिए हमने ज्यादा समय लिया है और इसी वजह से ये वीडियो कुछ लंबा होगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे तरफ से उन विद्यार्थियों को समर्पित है जिन्होंने महावना की बगिया से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद देश विदेश में अपना डंका जमाया है और भारतवर्ष को गौरवान्वित भी कर रहे हैं। जी हाँ, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता भी रहे। आज जिनकी वजह से इतने सारे विद्यार्थी देश विदेश में अपना लोहा मनवा रहे हैं और भारत देश को गौरवान्वित भी कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हमने पंडित जी के रेखा चित्र को प्रस्तुत किया है और इस रेखा चित्र को बनाने के लिए हमने पेन और इंक का यूज किया है। तो चले फिर हम और आप देखते हैं कि हमने इस रेखा चित्र को कैसे बनाया और साथ ही साथ पंडित जी के जीवन के उस हिस्से को भी प्रस्तुत किया है या करने की कोशिश की है जिसे शायद कुछ लोग जानते होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज के इस वीडियो में मैंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के रेखा चित्र को पेन एंड इंक से तैयार किया है। इस रेखा चित्र को हमने क्रॉस हैचिंग लाइन से एक जीवंत रूप देने की कोशिश की है। क्रॉस हैचिंग एक टेक्निक है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वैसे महामना जी के बारे में सभी लोग तो अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, परंतु फिर भी उनके जीवन के कुछ हिस्सों के बारे में बताने के लिए मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। तो चले फिर हम कुछ बातें कर लेते हैं उन महान
व्यक्ति के बारे में जिन्होंने भारतवर्ष के लिए काफी कुछ किया है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। यह उस युग के आदर्श पुरुष तो थे ही, साथ ही साथ इन्होंने विश्व के महान विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता भी रहे। जी हां, जहां से हमने शिक्षा ग्रहण किया है और आज आपके सामने इस स्थिति में हूं कि उनके जीवन पर आधारित कुछ हिस्सों को प्रस्तुत करने की सोच रहा हूं। आपको ये मालूम हो या ना हो, लेकिन महामना की उपाधि पाने वाले ये भारत के प्रथम और अंतिम व्यक्ति रहे। ना इनके पहले किसी को महामना की उपाधि से अलंकृत किया गया था, ना ही इनके बाद। इन्होंने अपना जीवन भारतवर्ष की सेवा में अर्पण कर दिया। उनकी एक ही कल्पना थी, उनकी परिकल्पना थी कि शिक्षा से ऐसे विद्यार्थियों को तैयार किया जाए जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके, और पंडित जी ने ये करके दिखाया। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी स्थापना करवाई।
पंडित जी देशभक्ति, आत्मत्याग और सत्यता में अद्वितीय थे और वे इसका पालन भी निस्वार्थ करते थे। भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2015 ईस्वी को उन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। उनके जीवन की एक ही व्रत, मेरे सिर जाए तो जाए प्रभु, मेरो धर्म न जाए, यह उनका जीवन व्रत था। पंडित जी भारतीय महासंघ के सदस्य भी रहे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य में गिने जाते थे। पंडित जी की मृत्यु बनारस में 12 नवंबर 1946 ईस्वी को हो गया। ये चीज निंद्रा में सो गए। पंडित जी के बारे में जितनी बात कही जाए उतनी कम है। इन्होंने इनकी बगिया से निकले हुए आज देश विदेश में इतने विद्यार्थी हैं और ऐसे ऐसे पद पे हैं जिससे कि आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मैंने उनकी बगिया से शिक्षा ग्रहण किया और आज जिस मुकाम पर हूं उनकी बदौलत हूं। उनकी जो परिकल्पना थी शायद मैं उस पर पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ उसे पूरी करने की हम पूरी कोशिश कर।
दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये रेखा चित्र पसंद आया होगा, स्केच। जी हाँ, ये स्केच हमने इस उम्मीद से बनाया है कि आपको ये पसंद आए और आप मेरे इस चैनल को अपने लाइब्रेरी में एक स्थान दे दें। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए आपकी तरफ से एक सहयोग होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरे हर आने वाले वीडियोस को आप जरूर देखेंगे और अंत तक देखेंगे, क्योंकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो में इसी तरह की कुछ कुछ जानकारियां मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।